तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे और एक मैच के बारे में जो कि जगह एक सीपीएल का मैच होगा। तो सीपीएल में बहुत बड़ा विनिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इस मैच में थोड़ा लो कॉम्पिटिशन भी होगा और ज़्यादा लोग इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो आप जरूर एक मैच ट्राई करना, अच्छा खासा आपको विनिंग हो के दे सकता है। तो बस यहाँ पर देख लेते कौन सा मैच के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लो गाइस, सेंट लुइस किंग वर्सेस बारबाडोस रॉयल के बीच में मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा रात को, खेला जाएगा यानी कल खेला जाएगा, आज नहीं खेला जाएगा, कल 4:30 बजे मैच चलेगा। तो वीडियो को शुरू से एंड देखना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो अच्छा लगा देख लेते पहले दोनों प्लेयर के स्टैटस, पर उससे पहले यहाँ पे देख लो गाइस, अभी तक फ्री लीग ऐड नहीं हुए, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, फ्री लीग ऐड होंगे प्लस 100% मोस्टली भी ऐड होगा, तो जरूर एक बार ट्राई करना। और यहाँ पे अभी तक फ्री लीग, अभी तक यहाँ पे एडवेड लीग आप ज्वाइन करके रख सकते हो। तो गाइस काफ़ी बड़े यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे, जरूर एक बार ट्राई करा। तो चलो बस पहले से दौड़ने में प्लेयर स्टार्ट देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे देख लो मैच खेलेगा 4:30 बजे यानी कल फ्राइडे 9 सितंबर को मैच खेला जाएगा। वेन्यू है डैरन समी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रॉसरी आइसलेट और सेंट लुइस में मैच खेला जाएगा। तो पहले देख लेते सेंट लुइस के प्लेयर के स्टैट्स, उसमें पहले आते हैं फाफ डुप्लेसी कैप्टन है, इनका रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे, 50 मैच खेले उसमें 1528 रन बना क्या रहे, 119 का हाईएस्ट स्कोर है T20 में और 35 का बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट इनका 134 का है। आईपीएल में रिकॉर्ड देख लो 116 मैच में 3403 रन बना क्या रहे, 2996 का हाईएस्ट स्कोर है और 34 का बैटिंग एवरेज था और स्ट्राइक रेट इनका 130 था। तो प्लेयर बहुत बड़ा है भी, टिम डेविड एक ऑलराउंडर है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेलता है, 11 मैच खेले उसमें 429 रन बना क्या रहे, 92 का हाईएस्ट स्कोर है, 47 का बैटिंग एवरेज है और 157 का स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग में 5 विकेट लेकर 11 मैच में। तो नेक्स्ट है रोशन चेज का यहाँ पे T20 में रिकॉर्ड देख लो, 6 मैच खेले उसमें 64 रन बना क्या रहे, 39 का बैटिंग एवरेज प्लस 12 का एवरेज इनका और 87 का स्ट्राइक रेट है और 6 मैच में 6 विकेट लेकर आ रहे थे। जॉसन चार्ज का देख लो यहाँ पे, 34 मैच खेले उसमें 724 रन बना क्या रहे, 84 रन का हाईएस्ट स्कोर है, 21 का बैटिंग एवरेज है और स्ट्राइक रेट उनका 110 है। नेक्स्ट आता है कैदरिक विलियमसन T20 में रिकॉर्ड देखो 26 मैच खेले उसमें उन्होंने विकेट 41 विकेट लेकर आए, प्लेयर बहुत बड़ा है, खेलेगा तो उनको जरूर पिक करना। नेक्स्ट आते डेविड बीसी, इनका रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे, 36 मैच में 387 रन बना कह रहे, 66 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 21 का बैटिंग एवरेज और बॉलिंग में 36 मैच में 38 विकेट लेकर यानी कि हर मैच में विकेट लेकर आता है। अलजार जोसफ का रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे बॉलिंग में, 5 मैच खेले उसमें 5 विकेट लेकर है, यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, आप मैं अगले और थोड़ा रिकॉर्ड में दिखा दूँगा इन सब प्लेयर की। स्कॉट कुकलिन 18 मैच खेले उसमें भी उन्होंने आई थिंक 16 विकेट लेकर है, 3/27 का बेस्ट है। मार्क डियल का रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे, यहाँ पे अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे मैं और एक आप में दिखा दूँगा आपको रिकॉर्ड जिन प्लेयर के यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी तक के लिए था कुछ सेंट लुइस का प्लेयर के स्टेट्स, अब देख लेते हैं बारबाडोस रॉयल का प्लेयर के स्टेट कैसा है। उसमें पहले आते हैं कुंटन डिको को रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे, 69 मैच खेले उसमें 1894 रन बना क्या रहे, 79 का हाईएस्ट स्कोर है और 31 का बैटिंग एवरेज प्लस 133 का स्ट्राइक रेट है, 1 विकेट ओवर है और यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन भी करेगा तो जरूर उनको पिक करना। नेक्स्ट आता है जेसन होल्डर, इनका रिकॉर्ड देख लो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा खेलता है, 44 मैच खेले उसमें 314 रन बना क्या रहे, 37 का हाईएस्ट स्कोर है और 44 मैच 45 विकेट लेकर आ रही, यानी हर मैच में विकेट लेकर आते हैं, 5/27 का बेस्ट है। और डेविड मिलर 104 मैच में 1946 रन बना क्या रहे, 101 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 32 का बैटिंग एवरेज है और 142 का स्ट्राइक रेट है, कैप्टन भी है टीम की, मुझे भी रहमान नहीं खेलेगा इस मैच में। ओबीडी मैका दत्तो ने बॉलिंग करने आता है, इनका रिकॉर्ड लो 23 मैच खेले 61 रन बना क्या रहे और बॉलिंग में 23 मैच 35 विकेट लेकर आ रहे, यानी कि हर मैच है आपको विकेट लेके दे सकता है। कैलेमेट्स ओपनिंग बैट्समैन है प्लस 4 ओवर बॉलिंग भी करेगा, इनका रिकॉर्ड देख लो 16 मैच खेले उसमें 329 रन बना क्या रहे, 73 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 23 का बैटिंग एवरेज है, 133 इनका स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग में 16 मैच है, अभी तक T20 में विकेट नहीं लेके आए। नेक्स्ट होता है हेडन वॉल्सर, एक स्पिन बॉलर है, इनका रिकॉर्ड देख लो बॉलिंग में 32 मैच खेले उसमें 27 विकेट लेके आ रहे, ये प्लेयर बहुत बड़ा है। डेवन थॉमस पिछले मैच से बहुत बड़ा पारी खेल रहे थे, यहाँ पे इनका रिकॉर्ड देख लो 12 मैच खेले उसमें 51 रन बना कह रहे और बॉलिंग भी करते हैं पर T20 में बॉलिंग में विकेट नहीं लेके आ रहे। कॉर्बिन बॉक्स को भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये प्लेयर बहुत बड़ा है।
तो गाइस ये था कुछ धोनी का प्लेयर स्टैट्स। अब देख लेते धोनी का पिछले मैच का परफॉर्मेंस कैसा करके आ रही वो देख लेते। तो पहले सेंट लुइस किंग के देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि पिछले मैच 2 विकेट से मैच जीत के आई थी। तो सेंट लुइस की बॉलिंग पहले बॉलिंग की थी, उसमें उन्होंने 8 विकेट लिए थे। उसमें अलीजा जोसफ 1 विकेट लेकर आया था, जेवर रोवाल 1 विकेट, स्कॉट कोगलिन 3 विकेट लेकर आया था, रोशन चेज 0 विकेट और डेविसी ने 2 विकेट लेकर आया था। और बैटिंग में जॉसन चल 62 रन बनाए थे, डिके वाला 10 रन में आउट हुए थे, शाहब डुप्लेसी 0 रन, अकीम अगस्त 4 रन, रोशन चेज 4 रन, टिम डेविड 20 रन बनाया था, रोशन प्रेमस 22 रन, डेविड वेसी 20 रन बनाया था, अलीजा जोसफ 9 रन और स्कॉट कोगलिन 5 रन बनाया था। ये मैच जीत ली थी 2 विकेट से। और बारबाडोस रॉयल का देख लेते पिछले मैच, बारबाडोस रॉयल ये मैच जीत करके टिकर के खिलाफ, उसमें बारबाडोस रॉयल पहले बैटिंग कर रहे 194 रन बनाए थे, उसमें कैले मैच 52 रन बनाए थे, कॉन्टेन टिका 44 रन, डेविड मिलर 60 रन बनाया था, आजम खानी 18 रन बनाया था, कॉर्बिन बॉक्स 2 रन और जेसन ओडर ने 1 रन बनाया था। वही बॉलिंग सीरीज में ओबीडी मैकर 2 विकेट लेकर था, डिवॉन थॉमस 2 विकेट लेकर था एक ही ओवर में, ओसेन थॉमस 2 विकेट और जेसन ओडर ने 1 विकेट लेकर था। और ये मैच डीएसएल मेथड से ये मैच जीत लिया था बारबाडोस रॉयल से। तो अगर ये था कुछ धोनी के प्लेयर स्टैट्स और धोनी का पिछले मैच का परफॉर्मेंस। अब देख लेते हैं धोनी टीम में जरा और थोड़ा प्लेयर की धोनी टीम में स्क्वाड के एनालिसिस कर लेते। तो यहाँ पे देख लो सेंट लुइस किंग्स वर्सेस बारबाडोस रॉयल के बीच में 4:30 का मैच खेला जाएगा सुबह। और विनिंग पर्स में 55% चांस है बारबाडोस रॉयल की और सेंट लुइस किंग की 45% चांस है। पहले देख लेते बारबाडोस रॉयल के, उसमें डिवॉन थॉमस होते 80 मैच के लिए, उसमें 1113 रन बना के आ रहे। ये सिर्फ सीपीएल का रिकॉर्ड है, जो कि सीपीएल में कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहे बंदा, तो इसका इनका रिकॉर्ड है 80 मैच के लिए, उसमें 1113 रन बना के आ रहे, 99 का बैटिंग एवरेज और 4 विकेट लेके आए थे। जैसन ओडर 74 मैच 825 रन 57 विकेट लेके आ रहे। कैले मिस 52 मैच 746 रन 18 का बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 20 विकेट लेके आ रहे। रकीम कॉर्नर 51 मैच 924 रन 21 का बैटिंग एवरेज है, 18 विकेट लेके आ रहे, पिछले मैच खेले नहीं थे। ओसेन थॉमस 31 मैच 41 विकेट लेके आ रहे। हैडन वासा 28 मैच 30 विकेट्स। ओबीडी मैकॉय 25 मैच 29 विकेट्स। डेविड मिलर 20 मैच 418 रन 41 का बैटिंग एवरेज है। आजम खान 11 मैच 215 रन 21 का बैटिंग एवरेज है इनका भी। निया मैंग खेलेंगे नहीं, मुझे भी रेमा भी नहीं खेलेगा। जस्टिन लुइस 9 मैच 111 रन 22 का बैटिंग एवरेज है। जॉस बिशप 9 मैच 11 विकेट्स। कॉर्बिन बॉक्स 3 मैच में 14 रन 1 विकेट लेकर आ रहे। कॉन्टेन डिकॉक 2 मैच 68 रन 34 का बैटिंग एवरेज है। हैरी टेक्टर 2 मैच 5 रन और रोमन समर्स 2 मैच 2 विकेट लेकर आया था। तो ये था बारबाडोस का। अब देख ले सेंट लुइस किंग का कैसे रिकॉर्ड। उसमें पहले आते जॉसन चार्ल्स 91 मैच 2342 रन बनाए गए, 26 का बैटिंग एवरेज है। स्कैड्रिक विलियमसन 62 मैच 78 विकेट्स। अलजा जोसफ 36 मैच 37 विकेट्स। रोशन चेज 29 मैच 748 रन 41 का बैटिंग एवरेज है, प्लस 19 विकेट भी लेकर है। मार्क डियाल 25 मैच 415 रन 89 का बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 6 विकेट लेकर है। फाफ डुप्लेसी 21 मैच 503 रन 26 का बैटिंग एवरेज है। डेविड वेसी 20 मैच 195 रन 79 का बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 26 विकेट लेकर है। रोशन प्रेमस 20 मैच 216 रन 19 का बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 13 विकेट लेकर है। और नेक्स्ट जेवर रोवाल 18 मैच 16 विकेट्स। स्कॉट कोगलिन 14 मैच 23 विकेट्स। टिम डेविड 14 मैच 302 रन 33 का बैटिंग एवरेज है। प्रिस्टन मैक्सन 2 मैच 1 विकेट। अकीम अगस्ते 2 मैच 15 रन। निकोस डिके वाला 1 मैच 10 रन बनाया था। लॉरे लॉक 1 मैच 13 रन। मैथ्यू फ्रिज 1 मैच 6 रन बनाया था। तो अगर ये था कुछ धोनी का प्लेयर स्टैट्स और धोनी के पिछले मैच के परफॉर्मेंस सब देख ले। चलो सीधा टीम बना चल करते, टीम कैसे रहेगी हमारी आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊंगा आपके सामने। तो अगर इस टीम में तो एक स्मॉल ही टीम है तो इसके लिए बनाऊंगा। तो इस टीम में पहले लूँगा कैले मिस को लूँगा। कैले मिस का रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पिछले मैच में तब 52 रन की पारी के गए थे पर विकेट नहीं ले गए थे, और उससे पहले फिर 36 रन में था प्लस 4 विकेट ले गया था। प्लेयर बहुत बड़ा है भी, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा खेलता है। मैं डेविड उन लोग को ले लूँगा क्योंकि पिछले मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आया था, क्योंकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गई थी। पर मैं इस टीम में फाफ डुप्लेसी लूँगा, फाफ डुप्लेसी रिकॉर्ड बहुत बड़ा है इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट मैं टीम डेविड के साथ रिस्क भी कहूँगा
क्योंकि टीम डेविड का परफॉर्मेंस देखना अभी पिछले मैच से उतना खास नहीं था, सिर्फ कैच के पॉइंट थे, रन भी उतना अच्छा नहीं हुआ था, सिर्फ 20 रन बना के उठे थे। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, अच्छा खुश रन बना के आ सकता है, तो इसलिए मैं उनके साथ जाऊँगा। अगर मार्क दयाल खेलेगा तो मैं मार्क दयाल के साथ जा सकता हूँ, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं इनके साथ भी जा सकता हूँ। अभी के लिए ये मैं तीन बैट्समैन, तो विकेट कीपर में मैं यहाँ पे कुंटन डुगा को लूँगा, क्योंकि कुंटन डुगा बहुत बड़ा बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, प्लस विकेट कीपिंग करेगा, उसे पॉइंट्स आएगा, तो इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं दीवान थॉमस के जाऊँगा, क्योंकि दीवान थॉमस पिछले मैच बॉलिंग भी किया था, एक ओवर में दो विकेट ले गया था बंदा, तो बॉलिंग भी करके आ रहा, तो इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। आपकी मर्ज़ी, आप उनके जगह यहाँ पे जॉसन चार्ल्स के साथ जा सकते हो, ये भी एक अच्छे प्लेयर है जॉसन चार्ल्स, पर अभी के लिए मैं दो यहाँ पे दो विकेट कीपर रहेंगे, कॉन्टेंट को कॉफ दीवान थॉमस। और आठ रो में यहाँ पे मैं जॉसन ऑर्डर को लूँगा, रोस्टन चेस को लूँगा, मैं कॉर्बी मस्को को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले दो मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इनका, तो इसलिए मैं इनको आज छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे डेविड विसी को पिक कर सकते हो, डेविड विसी के भी रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं, पिछले मैच विकेट लेके थे, उससे पहले विकेट लेके आ रहे, हर मैच विकेट लेके आ रहे, तो इनको पिक करना चाहते हो भी इनको पिक कर सकते हो। तो बॉलिंग में अल्जार विसी को लूँगा, जीवर राहुल को लूँगा मैं यहाँ पे, ओपीडी मक्का और वसीम थॉमस, ये देखिए मैं चार बॉलर। अल्जार विसी का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे पिछले मैच में विकेट ले गया था दो विकेट, और उससे पहले सॉरी पिछले मैच एक विकेट ले गया था, और उससे पहले 29 दो विकेट ले गया था, प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच में विकेट ले गया था बंदा, इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। और जीवर राहुल ये प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच में विकेट ले गया था, इसलिए मैं इनको पिक कर रहा हूँ। और ओबीडी मैकॉय, मैकॉय बहुत बड़ा प्लेयर है, दत्तो में बॉलिंग करने आता है, हर मैच में विकेट ले गया था, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में यहाँ पे वसीम थॉमस, वसीम थॉमस भी प्लेयर बहुत बड़ा, ये भी विकेट टेकर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। तो अगर अभी के लिए ये था कुछ स्मॉल लीग के लिए प्लेयर्स, स्मॉल लीग की टीम, तो वही कैप्टन वाइस कैप्टन में कैप्टन सेफ भी होगा कैलम हैरिस और वाइस कैप्टन अल्जार विसी। तो आज एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है दोनों टीम के लिए, कैप्टन मेरे कैलम हैरिस रहेगा, वाइस कैप्टन अल्जार विसी। तो आज एक मेरी स्मॉल लीग टीम है, थैंक यू सो मच गाइस।